तो हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एडुकेटर रोशन शर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1, पीरियडिक टेबल। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पीरियडिक टेबल क्या है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या है? प्योर सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बने हैं, वन टाइप ऑफ एटम से। ठीक है, और ये जो एलिमेंट है ये बेसिक यूनिट है। ठीक है, कोई भी मैटर जो होता है, मैटर उसका बेसिक यूनिट है। तो अगर एलिमेंट का स्टडी करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उसको प्रॉपरली क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। तो जो फर्स्ट एटम जो किया था क्लासिफाई करने का मेटल या नॉन मेटल को, वो किया था लेवेजर ने। ठीक है, लेवेजर ने किया था। उसके बाद उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, उसके बाद किसने ट्राई किया? उसके बाद डोबरेनियर ने ट्राई किया। ठीक है, एक जर्मन केमिस्ट था डोबरेनियर। ठीक है, इन्होंने ट्राई किया और एलिमेंट को ना ग्रुप में डिवाइड किया उन्होंने। ग्रुप में कैसे किया? तीन एलिमेंट का एक एक ग्रुप बनाया, उसको हम लोग कहते हैं ट्राइड्स, या आप ये भी कह सकते हो डोबरेनियर ट्राइड्स। उसने इस तरह से अरेंज किया कि जो तीन एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया कि उसका एक्चुअली सबसे पहले उसने जो अरेंज किया मास के हिसाब से, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से, और क्या कि जो आपका प्रॉपर्टी जो कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी इट इज रफली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट ट्राइड्स। कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, लीज ने तीन का ट्राइड बनाया, लीडियम का, सोडियम का और पोटेशियम का। तो यहाँ पे क्या है कि लीडियम और पोटेशियम जो है ना, देखो लीडियम का 7 एटॉमिक मास है और पोटेशियम का 39 एटॉमिक मास है। देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, और क्या है कि जो बीच में जो सोडियम है ना, इसका एटॉमिक मास 23 है। तो इसको इस तरह से सजाया गया है कि जो पहला और तीसरा वाला का एवरेज, देखो 7 + 39, पहला और थर्ड वाले का जो मास का एवरेज है दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ सेकंड वन। ठीक है, तो इस तरह से डोबरेनर ने सजाया था। तो यहाँ डिटेल्स में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ शॉर्ट में जस्ट दिया गया है। 9th क्लास का बुक में थोड़ा ज़्यादा था। नेक्स्ट है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने भी अटेम्प्ट किया फिर क्लासीफाई करने का, और उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से, मतलब क्या, उनके एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज जब करते हैं हम लोग, तो न्यूलैंड के हिसाब से क्या है कि जो हर एक 8 नंबर वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, बिगिनिंग से जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से 8 नंबर, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ठीक है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से 8 नंबर वाला एलिमेंट जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसका जो प्रॉपर्टी जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बोला है कि रिसेम्बल द फर्स्ट एलिमेंट इन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दिस वॉज नोन एज लॉज ऑफ ऑक्टेव। हम लोग इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अरेंज करने की कोशिश किया था डिमिट्री मेंडलिफ ने। ठीक है, इसको मेंडलिफ कहने से सभी पहचानते हैं, एक रशियन केमिस्ट था ये। ठीक है, उसने क्या किया, ही गेव द फर्स्ट पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसने टेबल फॉर्म में सजाया था। ठीक है, और इसका लॉ क्या कहता है, मेंडलिफ का लॉ क्या कहता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब क्या है कि जो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली उनका एटॉमिक मास का पीरियडिक फंक्शन है। पीरियडिक फंक्शन मतलब क्या है कि एटॉमिक मास को अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओगे तो हर थोड़ी देर बाद क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल्स में हम लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसने एक टेबल बनाया था बहुत ही अच्छा सा। ठीक है, मेंडलिफ ने बहुत अच्छा टेबल बनाया था। तो ये जो इसने जो अरेंजमेंट दिया था या इसने जो अरेंजमेंट बनाया था, तो इसने क्या किया, उस टाइम 63 नॉन एलिमेंट्स वगैरह था वो सब इसने आराम से, ठीक है, अरेंज कर दिया एकदम। और उस टाइम उतना ही एलिमेंट पता था, तो उसको उसने क्या किया, वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया था, जिसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम मतलब आपका ऐसे सीधा सीधा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली उसने टेबल में, तो देखो एक कॉलम और रो दोनों होते हैं, तो जो कॉलम था उसको ग्रुप कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज जो होता है उसको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो इसने क्या किया, उस टाइम में इसने प्रेडिक्ट कर लिया था कुछ नए जो एलिमेंट उस टाइम नहीं थे लेकिन फ्यूचर में डिस्कवर होने वाला थे, या फ्यूचर में डिस्कवर जो होगा उसने उस टाइम पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था अपने टेबल में, और उसने उसके लिए जगह भी छोड़ दिया था। ठीक है, अपने टेबल में जगह भी छोड़ दिया था। लेकिन इसमें कुछ कमी, इसने कुछ कमियाँ थी इसके जो अरेंजमेंट में, कि ये क्या क्या जो कुछ एलिमेंट्स का पोजीशन को वो जस्टिफाई नहीं कर सका, एक्सप्लेन नहीं कर सका।
और रेयर अर्थ मेटल के बारे में भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सका ठीक से, और कुछ आइसोटोप का भी पोजीशन वो एक्सप्लेन नहीं कर सका ठीक है। तो फिर जो ये डिफेक्ट था, ये डिफेक्ट रिमूव किया हेनरी मोस्ली ने, और उसने कुछ सलाह दिया है ना, कुछ सजेस्ट किया। इसने कहा कि जो प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स का है ये क्या है, इट इज़ द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये पहला आदमी था कहने वाला कि जो है एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर का पीरियडिक फंक्शन है। इससे पहले तक ये माना जा रहा था कि जो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो पीरियडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक मासेस का। लेकिन इसने बोला कि एटॉमिक नंबर का जो है उसका पीरियडिक फंक्शन है, क्लियर है। तो ये जो आप देख रहे हो उसका सजेशन के बाद क्या किया, नील बोर जो है, नील बोर ने उसने पूरा टेबल बनाया ठीक है। इसको आज के दिन में हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल कहते हैं ठीक है। और इस टेबल में आप लोग देखो ध्यान से कि ये टेबल में आपको देखने को मिलेगा कुछ हॉरिजॉन्टल कॉलम वगैरह देखने को मिलेगा आपको इस तरह से ठीक है। ऐसे करके यहाँ ये इधर पे यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम है ना, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके पूरा आपको दिया हुआ है। अभी पीछे कुछ चीज़ें आने वाली है वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ये जो पहला कॉलम है इसको हम लोग अल्काली अर्थ मेटल कहते हैं, अल्काली अर्थ मेटल ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है इसको हम लोग नोबल गैसेस कहते हैं, ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हो ठीक है। और ये जो कॉलम्स जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं ठीक है। देयर आर 18 ग्रुप्स, अगर बात करें तो 1, 2, 3 ऐसा करके कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, ये जो रोज है इस तरह से, इसको हम लोग कहते हैं पीरियड्स। तो फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट है देखो, हाइड्रोजन और हीलियम, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8 है ना, फोर्थ पीरियड में आपका 18 है ठीक है, फिफ्थ पीरियड में भी 18 है, फिर सिक्स्थ में 32 है, सेवन्थ में 32 है, इस तरह से सजा हुआ है। तो आगे यही आने वाला आप लोग ध्यान से देखना। और यहाँ पे कुछ चीज़ें पीछे आएंगी वो मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे थर्ड ग्रुप का ठीक है, थर्ड ग्रुप का सिक्स्थ पीरियड देखो, सिक्स्थ पीरियड देखो तो आपको ये मिलेगा 57 से 71। एक ही जगह में बहुत सारा एलिमेंट का एक ही पोजिशन दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइट। लेंथेनाइट के लिए एक अलग सा जगह दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ये इसको कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज। वैसे ही थर्ड ग्रुप का सेवेंथ पीरियड देखो ठीक है, तो थर्ड ग्रुप से सेवेंथ पीरियड यहाँ पहुँचते हैं हम लोग। यहाँ पे भी देखो कुछ एलिमेंट को एक साथ दे दिया 89 से 103 तक का, इसको कहते हैं हम लोग एक्टिनाइट। से पीछे आएगा तो आपको मैं फिर स्लाइड बैक करके नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए मैं अभी दिखा रहा हूँ, आप लोग पीछे जब मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। इसको कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज ठीक है। ओके चलो, तो ये जो 17 नंबर वाला, ये भी बता देता हूँ, ये 17 नंबर वाला को हम लोग हेलोजन ग्रुप कहते हैं है ना। 16 नंबर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, फिर ये नाइट्रोजन फैमिली, ऐसा करके बहुत सारा है। इसको कार्बन फैमिली क्यों, एक्चुअली कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, इनका फर्स्ट एलिमेंट कार्बन, जो फर्स्ट एलिमेंट है उनके हिसाब से इनको नाम दे दिया है, बोरोन फैमिली राइट ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। तो कुछ पीरियडिक टेबल का फंक्शन तो अभी भी मैंने आपको बताया ग्रुप्स के बारे में है ना ठीक है। तो ग्रुप वन का हम लोग कहते हैं अल्काली मेटल्स सॉरी, और ग्रुप टू को कहते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल ठीक है। और क्यों अल्काली मेटल कहते हैं, बिकॉज दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्काली विथ वाटर ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपको कि ग्रुप वन को अल्काली मेटल क्यों कहते हैं, तो आपको बोलना होगा कि दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्काली विथ वाटर। अच्छा अल्कालाइन अर्थ मेटल क्यों, बिकॉज दे फॉर्म वीकर अल्कालीज एज कम्पेयर टू ग्रुप वन। अच्छा बोरोन फैमिली, इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसलिए बोरोन फैमिली कहते हैं, कार्बन फैमिली है ना, नाइट्रोजन फैमिली ठीक है, आपको बता चुका हूँ ठीक है। ओके ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग चेल्कोजेंस भी कहते हैं ठीक है। और 17 का मैंने आपको बता दिया हेलोजेन है ना। अच्छा 18 नंबर वाला ग्रुप जो है उसको हम लोग नोबल गैसेस कहते हैं, या हम लोग उसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं ठीक है। देखो हर एक ग्रुप के साइड में कुछ रोमन नंबर में और कैपिटल लेटर यूज करके कुछ ग्रुप का नाम है, जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 6 है ना, लेकिन यहाँ पे जीरो ग्रुप है, कोई नाम नहीं है। तो जीरो ग्रुप, नोबल गैसेस, इनर्ट गैस ठीक है, ये कहते हैं हम लोग। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे ना क्लास में, जो क्लास 10 में आप लोग का, तो यहाँ पे हम लोग ना 1, 2
फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 इतना का स्टडी करना है, इतना के ऊपर ही हमारा सिलेबस है। 3 से लेकर 12 तक का हमको नहीं पढ़ना है। ये जो आपको दिख रहा है 2 नंबर में, जो ये 1, 2, 13, 14, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। 3 से लेकर 12 को छोड़ के, जो नीचे नीचे आपको दिख रहा था पीरियडिक टेबल में, उसको छोड़ के। अच्छा, खासियत क्या है इनका, इन ग्रुप्स का, इन ग्रुप्स का खासियत यह है कि इनका जो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, ये इनकम्प्लीट रहता है। मतलब क्या, इनके जो स्ट्रक्चर है ना इनका, इनके एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है, उसका आउटर मोस्ट सेल जो है खाली रहता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, जो ग्रुप 3 से ग्रुप, ठीक है, ग्रुप 12 तक जो भी एलिमेंट है, इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और इसको हम लोग इस बार पढ़ेंगे भी नहीं। और इनका जो होता है ना, 2 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है, 2 बाहरी जो सेल है वो इनकम्प्लीट रहता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट, फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग इस क्लास में हम लोग का इतना नहीं है इसके बारे में कुछ भी, हम लोग सिर्फ मेन ग्रुप एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या, 1, 2, उसके बाद 13 से लेकर 18 तक। ओके, नेक्स्ट पीरियड्स। तो मैंने जैसे कि आपको उधर पीरियडिक टेबल में बताया कि जो रोज होते हैं, है ना, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, उसको हम लोग पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ सेल रहेगा वो उसका पीरियड से आपको पता चल जाएगा। अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में, दैट मीन्स उसमें जो नंबर ऑफ सेल होगा वो एक ही होगा उसके स्ट्रक्चर में। कोई एलिमेंट अगर सेकंड पीरियड का है तो उसके स्ट्रक्चर में जो होगा 2 सेल होगा। कोई एलिमेंट अगर थर्ड पीरियड में है तो उसमें जो होगा सेल 3 होगा। कोई एलिमेंट अगर सोचो सेवेंथ पीरियड में है तो उसमें जो सेल होगा वो 7 होगा। समझ गए होंगे आप लोग। ओके, तो फर्स्ट पीरियड में देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पे 2 ही है, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर सेकंड पीरियड में क्या है आपका, लिथियम बेरिलियम। देखो ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है, उसके बाद सीधा 13th ग्रुप का आ गया, बोरोन, कार्बन, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, है ना, 16th ग्रुप, ऐसे करके लास्ट में नियॉन तक, 18th ग्रुप तक। ओके, तो ये सब एलिमेंट है। और तो आपका ये थर्ड पीरियड में भी देखो आपके एलिमेंट्स वगैरह है, NaMgAl, है ना। ओके, अच्छा, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो होता है, इसके बारे में मैंने कुछ पीरियडिक टेबल में तो आपको बताया ये थोड़ा सा, कि इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं, है ना, 19 नंबर से लेकर 36 तक, ठीक है, फोर्थ में, और 37 से लेकर 54 तक फिफ्थ पीरियड में। और इसको हम लोग लॉन्ग पीरियड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ पीरियड है ना, वहाँ पे 87 नंबर से स्टार्ट है, और ये इसको हम लोग इनकम्प्लीट ये पीरियड भी कहते हैं, और सेवेंथ पीरियड भी वैसे ही है, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो सकता है, ठीक है, तो इसको नज़रअंदाज कीजिए, नीचे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ग्रुप 3 जो है सिक्स पीरियड का, जो मैंने उस टाइम दिखाया था आपको, ये मैं दिखा चुका हूँ, जस्ट मैं पढ़ रहा हूँ। इन ग्रुप 3 ऑफ द सिक्स्थ पीरियड देयर इज अ सेट ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 57 to 71। एक साथ मैंने बताया था ना ग्रुप 3 में, ग्रुप 3 का सिक्स पीरियड में, है ना, वो उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है लेंथेनाइड है, इसीलिए उस पूरा ग्रुप का नाम हमने लेंथेनाइड ग्रुप दिया था, नाम रखा था ना हमने लेंथेनाइड ग्रुप, है ना, एक ही में बहुत सारे एलिमेंट। वैसे ही और ग्रुप 3 में सेवेंथ पीरियड अगर देखोगे, तो मैंने उस टाइम बताया था ना कि आपको एक्टिनाइड से बहुत सारे एलिमेंट के लिए एक ही पोजीशन दिया हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं, और ये एक्टिनाइड से शुरू है तो इसको हम लोग एक्टिनाइड्स भी कहते हैं, और दूसरा भाषा में हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है, इनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज है, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप में है, दोनों तो थर्ड ग्रुप में है, ठीक है, दे आर, ये इसलिए पीरियडिक टेबल में नीचे की तरफ दिखाया गया है। तो अब पढ़ेंगे पीरियडिसिटी, है ना। तो पीरियडिसिटी क्या है, ऐसा है मतलब प्रॉपर्टी जो हर रेगुलर इंटरवल में रीअपीयर हो रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है, या क्या हो रहा है कि जो प्रॉपर्टी जो है वो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है, जैसे कि हर इंटरवल में क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी में थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, ठीक है। सपोज बॉइलिंग पॉइंट एक ग्रुप में पहले 100 है, फिर 90 है, फिर 80 है, तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे ग्रेजुअली डिक्रीज, है ना। तो मतलब क्या है कि या तो सेम प्रॉपर्टी आए रेगुलर इंटरवल में, या हल्का सा प्रॉपर्टी में हल्का सा वेरिएशन हो, या बढ़े या घटे रेगुलर इंटरवल में, इसको हम लोग कहते हैं
पीरियडिक प्रॉपर्टी, और जो जो फेनोमेनन है इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट। अच्छा ये पीरियडिसिटी क्या है समझ लिया आप, इसका कॉज समझते हैं। तो पीरियडिसिटी का जो कॉज है ठीक है, इट इज द रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कहने का मतलब है कि एक्चुअली क्या होता है कि एक ग्रुप में अगर आप देखोगे ना तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है उनका। मतलब क्या है कि उनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आप देख रहे हो कि आउटर मोस्ट सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जैसे कि सपोज फर्स्ट ग्रुप में आप देखोगे कि सबका आउटर मोस्ट सेल में 1 है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट अगर आप देखोगे तो देखोगे कि सबका आउटर मोस्ट सेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है, 13 का अगर आप देखोगे तो देखोगे सबका आउटर मोस्ट सेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा कॉन्फिगरेशन को हम लोग कहते हैं सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होने के कारण से क्या होता है कि प्रॉपर्टी सेम होता है, याद रखना ठीक है, या प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी होता है ठीक है। तो एक एग्जांपल है ग्रुप 17 जो है हेलोजन ग्रुप ठीक है, उसमें क्या है कि जो जितने भी एलिमेंट है अगर आप लोग ध्यान से देखोगे हेलोजन ग्रुप को, तो हर एक एलिमेंट में आपका आउटर मोस्ट सेल में आप पाओगे कि 7 इलेक्ट्रॉन है ठीक है, और ये सबका आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और आप ये भी पाओगे कि इनका सब में सिमिलर प्रॉपर्टीज भी है। इन सब एलिमेंट्स में क्या है, दे आर कलर्ड नॉन मेटल, वो जो सिमिलरिटी जो है प्रॉपर्टीज में वो मैं नीचे बता रहा हूँ आपको। दे फॉर्म नेगेटिव आयन्स कैरिंग अ सिंगल चार्ज, मतलब क्या है कि सबके सब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और एक सिंगल चार्ज गेन कर लेते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं। ये लोग बहुत रिएक्टिव है ना, और ये कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। दे आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट दे डिजोल्व मच बेटर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि एल्कोहल वगैरह ठीक है, मतलब पानी में कम सोल्यूबल है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से ये घुलते हैं ठीक है। देखो कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का नाम भी दिया हुआ है, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल राइट। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इनमें जो सिमिलरिटी है वो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो या तो बढ़ रहा होता है ठीक है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये बढ़ रहा है ठीक है। जितना तुम ग्रुप के नीचे में जाओगे, 17 ग्रुप के एलिमेंट के जितने नीचे वाले एलिमेंट में जाओगे उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा ठीक है। और क्या है, ये सारे के सारे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी है ठीक है। तो इसलिए कंक्लूड किया जा सकता है कि जो पीरियडिसिटी है ना, एलिमेंट में पीरियडिसिटी तो है ही है, और ये पीरियडिसिटी जो पाया जा रहा है वो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होने के कारण से ठीक है। ग्रुप का मैंने जो अभी अभी आप बात किया आपको, यहाँ पे मैंने टेबल भी दिया हुआ है यहाँ देखो ठीक है। देखो फ्लोरीन का भी देखो, क्लोरीन का, ब्रोमीन ब्रोमीन का, आयोडीन का, एल्यूमिनियम का, सबका देखो लास्ट में 777 आप देख पा रहे राइट। जो मैंने अभी समझाया वो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टेबल में ठीक है, क्लियर है। तो सबका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ दिख रहा है। अच्छा नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सेल्स। तो अब हम लोग सेल्स मतलब ऑर्बिट और वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्बिट क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आमने सामने घूमता है आप लोगों को पता है, तो एक डेफिनेट एक सर्कुलर पाथ जो होता है उसी सर्कुलर पाथ में वो घूमता है, उस सर्कुलर पाथ को हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स ठीक है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो डाउन द ग्रुप जाओगे अगर आप पीरियडिक टेबल में ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे ओके, तो क्या होगा उस टाइम मैंने बताया कि अगर आप फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट वाले में हो जैसे यहाँ पे तो 1, फिर एक एक करके आपका नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा। अगर आप पहले वाले एलिमेंट में हो तो 1 सेल, सेकंड एलिमेंट में हो तो 2 सेल, थर्ड एलिमेंट में हो तो 3 सेल, ऐसे करके बढ़ता रहेगा ठीक है। तो वही यहाँ लिखा हुआ था, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज सक्सेसिवली 1 by 1 सच दैट द नंबर ऑफ सेल दैट एन एलिमेंट हैज इक्वल द नंबर ऑफ द पीरियड टू विच द एलिमेंट बिलोंग। वही कह रहा है कि वो जिस पीरियड में वो गिर रहा है, जैसे कि यहाँ आप देखो फ्लोरीन नंबर ऑफ सेल 2 राइट, सेकंड पीरियड में, क्लोरीन नंबर ऑफ सेल 3 थर्ड पीरियड में, ब्रोमीन नंबर ऑफ सेल 4 फोर्थ पीरियड में ठीक है, इस तरह से सो ऑन। समझ गए आप लोग। अच्छा बात है, वैलेंसी समझते हैं ठीक है। वैलेंसी क्या है,
तो अभी हम लोग डाउन द ग्रुप में क्या होता है वो पढ़ रहे हैं, ये याद रखना ठीक है। मतलब हम लोग पीरियडिक टेबल में ऊपर से नीचे आएंगे किसी एलिमेंट या किसी ग्रुप को फॉलो करते हुए, तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है। तो वैलेंसी क्या है, इट डिनोट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। कहने का मतलब वैलेंसी किसी भी एलिमेंट के एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी को डिनोट करता है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि वो एटम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर हम लोग किसी ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप ठीक है, तो आप देखोगे जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, जैसे कि यहाँ देखो है ना, सबका आउटर मोस्ट सेल में 7777 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये सब एलिमेंट अगर गेन करेंगे तो क्या करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। दैट मीन्स सबका कैपेसिटी एक ही है, सब एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या होगा कि सबका वैलेंसी भी सेम होगा इसलिए, ठीक है, क्योंकि सबका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए इनका वैलेंसी भी सेम होगा, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आएगा ये बात। नेक्स्ट, अब वैलेंसी जो है वो आपको मैंने बता दिया है ना, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर किसी भी एलिमेंट का एटम का आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है तो उनका वैलेंसी 1, 2, 3, 4 ही रहेगा, ठीक है। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4 है ना। लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट का एटम्स में अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 अगर ऐसा है तो क्या होगा इनका वैलेंसी, अब क्या होगा अगर 5 है तो 5 ये लूज नहीं करेगा राइट, इससे ऐसा 3 गेन करना है तो इनका वैलेंसी क्या होगा, हम लोग 8 माइनस करके निकालेंगे, जैसे 8 माइनस 5 3, क्योंकि ये 3 गेन करेगा ना इसीलिए। अगर किसी का 6 है तो वैलेंसी हो जाएगा 8 माइनस 6 2, ठीक है। अगर किसी का आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो जाएगा 8 माइनस 7 1, ठीक है। अच्छा, वैलेंसी क्या, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये मैंने फिर से बता दिया आपको, और ये इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहता है। देखो कुछ पीरियड 2 का कुछ एलिमेंट है, इनका सब कुछ यहाँ दिखाया हुआ है, देखो आपको, तो अक्रॉस द ग्रुप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, देखो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो अगर अक्रॉस द ग्रुप अगर आप देखो तो देखो बढ़ते जा रहा है 4 तक बढ़ते रहा, ठीक है। तो वैलेंसी का आप देखो, वैलेंसी में ध्यान दो, बढ़ते जा रहा है 4 तक पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ, फिर घटना शुरू हो गया 3, 2, 1, फिर लास्ट में जाके 0 है ना, 1, 2, 3, 4 फिर 3, 2, 1, 0, ये ट्रेंड आप देखो ध्यान से है ना, वैलेंसी जो है पहले बढ़ रहा है अक्रॉस द ग्रुप में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, फिर बाद में फिर घटना शुरू हो गया। और एक चीज क्या देखोगे आप, देखो यहाँ अगर ये पीरियड टू का एलिमेंट है तो सबका नंबर ऑफ सेल 2 ही है राइट, दिख रहा है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखो फर्स्ट एलिमेंट का लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका लास्ट में 2 ही है, 13 ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका लास्ट में 3 है, 14 ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका लास्ट में 4 है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, ओके। तो पीरियडिक टेबल में क्या है, हम लोग ओवरऑल बात करते हैं, तो एलिमेंट जो है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया गया, और एटॉमिक नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम राइट, ओके। और जो वर्टिकल कॉलम है ना, ठीक है, उनका सिमिलर प्रॉपर्टी हमको मिलता है देखने में है ना। अगर वर्टिकल कॉलम आप देखोगे, ग्रुप्स अगर हम उसको ग्रुप कहते हैं, ग्रुप में आप देखोगे कि सिमिलर प्रॉपर्टी पाया जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको हम लोग पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक खत्म होता है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।